नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके सहयोगी गुटों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक और विदेश नीति की वैश्विक सराहना की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। राष्ट्र आज सर्जिकल स्ट्राइक की 6वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम आज से शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा होगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को महाराष्ट्र में वास्तविक शिवसेना के बारे में फैसला करने की अनुमति दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सहयोगी विजय नायर को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। कानपुर नगर निगम ने पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के कुत्तों के पालने पर पाबंदी लगाई। और क्रिकेट में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 20-20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं लवली निगम। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और इसके सहयोगियों तथा इससे संबद्ध गुटों पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण तुरंत प्रभाव से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि पीएफआई और उसके सहयोगी तथा इससे संबद्ध रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन और केरल के रिहैब फाउंडेशन जैसे गुट देश में आतंकी हिंसक आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सरकार का यह मानना है कि यदि पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों पर तुरंत पाबंदी नहीं लगाई गई तो ये देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, प्रवर्तन निदेशालय और कई राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर कई राज्यों में छापे मारे थे। इस सिलसिले में पीएफआई के कई कथित नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कई विकासशील और विकसित देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक और विदेश नीति की सराहना की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित कुछ ताकतवर देशों ने प्रधानमंत्री मोदी का सकारात्मक उल्लेख किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश ने भी सतत विकास लक्ष्यों की सफलता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की। फ्रांस, जैमिका और पुर्तगाल सहित कई देशों ने भारत की भरपूर सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी की तारीफ करने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था कि युद्ध का उचित समय न होने के बारे में श्री मोदी का वक्तव्य सही था। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख श्री गुतेरश ने विशेष इंडिया एट 75 संदेश में इस बात पर जोर दिया था कि इतिहास में सबसे बड़ी युवा पीढ़ी की जनसंख्या के रूप में सतत विकास लक्ष्यों की सफलता के लिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का स्पष्ट रूप से समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय देश और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के पात्र उम्मीदवार के रूप में देखता है। भारत की प्रशंसा करने वालों में जमैका का भी प्रतिनिधि मंडल था। जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ ने कोविड महामारी के दौरान सहायता के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। गुआना के विदेश मंत्री ह्यू हिल्टन टॉड ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की सराहना की। उन्होंने कहा कि गुआना जैसे छोटे देशों को भारत की बढ़ती साख से काफी फायदा हुआ है क्योंकि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो मानवीय विकास पर अधिक ध्यान देती है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्ता ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करते हुए कहा कि इसमें भारत, ब्राजील और अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। श्री कोस्ता ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए
ऐसे सुरक्षा परिषद की वकालत की जिसमें सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण हो और छोटे देशों का भी उचित प्रतिनिधित्व हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भूटान और नेपाल ने वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के लिए भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। भूटान के विदेश मंत्री लियोनोपोल टांडी दोर्जी ने कहा कि उनके देश की 90% से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह भारत सहित मित्र देशों की सराहना के कारण हुआ। नेपाल के विदेश मंत्री भरत राज पोडियाल ने भी कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत 25 करोड़ से अधिक कोविड रोधी वैक्सीन 100 से अधिक देशों में भेजी गयी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। श्री मोदी ने टोक्यो में निप्पोन बुडोकन में दिवंगत शिंजो आबे को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आकासाका पैलेस में श्री शिंजो आबे की पत्नी श्रीमती आकी आबे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे के साथ अपनी सुखद स्मृतियों की चर्चा की। श्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। प्रधानमंत्री ने टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बैठक की। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि श्री अल्बनीज के साथ उनकी सकारात्मक वार्ता हुई और दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में मित्रता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका अधिक लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला को प्रोत्साहित करने में गहरी रूचि रखते हैं। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ वाशिंगटन में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इसके लिए नीतिगत फैसलों के साथ साथ व्यापारिक समुदाय के शामिल करते हुए व्यापारिक व्यवहारिक उपायों की आवश्यकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर G20 शिखर बैठक में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की 3 दिन की यात्रा पर बाली पहुंच गए हैं। श्री तोमर ने कनाडा के कृषि मंत्री मैरी क्लाउड बिबियो और ऑस्ट्रेलिया के सहायक व्यापार और विनिर्माण मंत्री टिम आर्स के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें की। श्री तोमर ने अगले साल भारत में होने वाले G20 कृषि शिखर बैठक में शामिल होने के लिए दोनों मंत्रियों को आमंत्रित किया। इसके अलावा उन्होंने भारत के नेतृत्व में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ज्वार वर्ष 2023 के लिए भी समर्थन मांगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट, आजादी का इतिहास डाउनलोड कर रहे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरो इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना। जागृति का कहना है कि ग्राहक दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा में कमी के कारण हुई क्षति के क्षतिपूर्ति की मांग उपभोक्ता आयोग में कर सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कल कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए। परीक्षण उड़ान उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज पर संचालित की गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह कम दूरी की सुगम्य वायु रक्षा प्रणाली है जिसे भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है। मिसाइल को कम दूरी और कम ऊंचाई पर हवाई हमलों को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग साझेदारों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों से लैस नई मिसाइल सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करेगी। DRDO के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामताल ने भी इस सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी। राष्ट्र आज सर्जिकल स्ट्राइक की 6वीं वर्षगांठ मना रहा है। वर्ष 2016 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी हमले में 18 जवानों के शहीद होने के 11 दिन बाद भारतीय सेना ने 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों के विभिन्न इकाइयों के कमांडो सहित भारतीय सेना ने सीमा पार कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। ये सभी ठिकाने आतंकवादियों के लॉन्च पैड थे
जिनके माध्यम से जम्मू कश्मीर में सेना और नागरिकों पर हमले करने के लिए आतंकवादियों की घुसपैठ होती थी। इस कार्रवाई के साथ भारत ने ये माकूल संदेश दिया कि वो जरूरत पड़ने पर सीमा पार भी आतंकियों के लॉन्च पैड पर हमले कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक की रात को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक सुनियोजित था, क्योंकि उरी हमले के बाद उनके मन में काफी रोष था। जब उरी की घटना घटी, उस घटना ने मुझे बहुत बेचैन बना दिया था और मेरे भीतर एक आक्रोश था। लेकिन मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधि हूँ, मेरा व्यक्तिगत गुस्सा और मेरी व्यक्तिगत बेचैनी इस पर व्यवस्था पर कभी प्रभाव नहीं होना चाहिए, मैं संतुलन समझता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, उसके लिए मैंने सेना के लोगों से लगातार चर्चाएं की। मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज्यादा लगी हुई है। वे किसी भी हालत में, इस परिस्थिति में देश के जवानों के मॉरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप पूरा डिजाइन करके लाइए मेरे पास, और मैंने कहा आप जितना भी कर सकते हैं करिए। आकाशवाणी पर मन की बात के पिछले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक का स्मरण करते हुए इस वर्ष 28 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित होंगे। अमृत महोत्सव में हम जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े विशेष अवसरों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करे। आप सभी के पास 28 सितंबर को सेलिब्रेट करने की एक और वजह भी है, जानते हैं क्या है? मैं सिर्फ दो शब्द कहूंगा, लेकिन मुझे पता है आपका जोश चार गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये दो शब्द हैं सर्जिकल स्ट्राइक। बढ़ गया ना जोश? हमारे देश में अमृत महोत्सव का जो अभियान चल रहा है, उन्हें हम पूरे मनोयोग से सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों को सबके साथ साझा करें। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी गुटों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक और विदेश नीति की वैश्विक सराहना की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल की सफल परीक्षण किया। राष्ट्र आज सर्जिकल स्ट्राइक की 6वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस पर आज से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा होगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को महाराष्ट्र में वास्तविक शिवसेना के बारे में फैसला करने की अनुमति दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सहयोगी विजय नायर को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। कानपुर नगर निगम ने पिटबुल और रॉटविलेयर नस्ल के कुत्तों के पालने पर पाबंदी लगाई। और क्रिकेट में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। राजू, हमारी तरफ से ये चेक आपकी बहन की शादी के लिए। सर, बैंक में खाता नहीं है सर। अरे क्यों? खाते में बैलेंस रखना पड़ता है ना। अरे तो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता खोलो ना, मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखना पड़ता। RBI कहता है सिर्फ आधार कार्ड लाओ और खाता खोलो, साथ ही फ्री में ATM डेबिट कार्ड पाओ और अपने खाते में से महीने में 4 बार तक पैसे निकालो। डिपॉजिट चाहे कितनी भी बार करो, बस खाता खोलो और लंबी इनिंग खेलो। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम आज से शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कर दिया जाएगा। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए इस बारे में घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस फैसले के लिए चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा सहित पूरे देश के लोगों को बधाई दी थी। 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ले, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं, यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में शहीद भगत सिंह के सपनों को साकार करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि निर्वाचन आयोग की उस प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं होगी जिसमें आयोग ये तय करेगा कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना का नेतृत्व एकनाथ शिंदे करेंगे या उद्धव ठाकरे। इस फैसले को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पक्ष की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ शिवसेना में अनबन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट में शिवसेना विभाजित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सहयोगी और आम आदमी पार्टी के संपर्क प्रमुख विजय नायर को गिरफ्तार किया है। नई दिल्ली में कल सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ के बाद नायर को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में श्री सिसोदिया और विजय नायर सहित 15 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। नायर को आबकारी लाइसेंस आवंटन की साजिश रचने में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया। सीबीआई का आरोप है कि एक शराब कंपनी के मालिक से विजय नायर के जरिए रिश्वत ली गई। सीबीआई ने बताया कि नायर मुंबई स्थित इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर का पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। जम्मू कश्मीर में कल शाम कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद आतंकी गुट के दो आतंकवादी मारे गए। दोनों आतंकी कुलगाम जिले के निवासी थे। उनके पास से आपत्तिजनक दस्तावेज, दो AK-47 राइफलें और गोली बारूद मिले हैं। एक अन्य मुठभेड़ में कल कुलगाम जिले बटपोरा में सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने जैश ए मोहम्मद गुट के एक आतंकी को मार गिराया। इसकी पहचान आबू हुरैरा के रूप में हुई है और ये पाकिस्तानी हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर निगम ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर में पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कानपुर के मेयर प्रतिमा पांडे ने पिटबुल नस्ल के कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर विचार करते हुए इस फैसले की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हाल में इस नस्ल के कुत्तों के हमले की कई खबरें मिली थीं। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भू जल स्तर के संबंध में जलदूत ऐप की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जल संरक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। देश भर में भूजल के स्तर को मापने और उसका एक व्यवस्थित डेटा तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। जलदूत ऐप ये विकसित किया गया है मंत्रालय की ओर से और गांवों में दो या तीन कुओं को चुनकर उनके जल स्तर का माप लिया जाएगा। इसके लिए ग्राम रोजगार सहायक तैयार किए जाएंगे जो मानसून से पहले और मानसून के बाद इन कुओं से जल स्तर का माप लेंगे। अरविंद जी, जिस तरह से इस ऐप के माध्यम से गांवों में जल स्तर को मापा जाएगा उससे किस तरह जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को और कार्यक्रमों को लागू करने में मदद मिलने वाली है? एक चीज होती है क्वालिटी क्वांटिटी मैपिंग। देश में कितना पानी किस क्वालिटी का है, अब हमारे लिए सामने आता है कुएं का पानी है या फिर नदी का पानी है या और भी हमारे पोखर और बाकी जगह पे आप देखते हैं कई बार जल भराव हो जाता है, कई बार बहुत बारिश हो रही है तो आप देखते हैं कि बाढ़ आ गई, लेकिन कई बार सूखा पड़ रहा है तो हमें अंदाजा नहीं लग पा रहा कि किस तरह का पानी है और किसको हमें संरक्षण करने की जरूरत है। तो हमारे पास बहुत बड़ा एक डेटा, मतलब एक यूनिक डेटा बन जाएगा हमारे पास में। तो यूनिक डेटा होने से हम आगे आने वाले में जल के क्षेत्र में कोई नई योजना लेके आते हैं, कहते हैं क्वालिटी क्वांटिटी मैपिंग, रिसोर्स मैपिंग, हमारे कुएं कितने हैं उसमें किस तरह का स्तर है, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। जो मनरेगा योजना है उसके तहत ऐसे ग्राम सहायक तैयार किए जाएंगे जो इन कुओं से डेटा कलेक्ट करेंगे और उसका मापन करेंगे। तो जिस तरह से सरकार जनता की भागीदारी को जल संरक्षण में शामिल कर रही है, किस तरह से ये हमारे जल संरक्षण के मिशन को और उसके उद्देश्यों को और ज्यादा हासिल करने के लिए कितना अहम है? जन सहयोग एक बहुत जरूरी चीज है और जलदूत अगर इस तरह का ऐप अगर गवर्नमेंट ने बनाया है तो ये बेसिकली आपके पास डेटा एक जगह यूनिक डेटा आ जाएगा, फिर उसमें इंगेजमेंट जिस तरह से आप कर पाओगे, किस स्टेक होल्डर का कैसे इन्वॉल्वमेंट करना है, अब छोटे स्कूल प्राइमरी स्कूल हैं, प्रधान हैं, उनके नीचे और भी लोग होते हैं, तो मल्टी स्टेक होल्डर अगर छोटी जानकारी लेके उसके लिए रोजगार भी बने कल को, तो जैसे किसान सहायक होता था जल सहायक भी हो जाएगा, तो वो एक रोजगार की दिशा में देखें तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरी है कि टेक्नोलॉजी जो है जो लैब में थी लैंड पर आ जाएगी, और जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि वाटर टर्न इनटू पब्लिक मूवमेंट, तो पब्लिक मूवमेंट का मतलब है कि हर आदमी समझे कि मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा काम है। जब हम इस तरह से सोचेंगे तो मैं समझता हूँ इस दिशा से हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा होगा, पहली चीज। दूसरा, हम लोगों को एंगेज कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों में जो जल स्तर है उसमें कमी एक बड़ी चिंता का विषय रहा है, जैसे कि सरकार ने जल जीवन मिशन में कई पहल की हैं इस दिशा में, तो आप क्या सोचते हैं कि कैसे इस आंदोलन को और ज्यादा हम मजबूत बना सकते हैं?
इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए हम जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी है, सिविल सोसाइटी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको ग्रास रूट लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि हर जिले में 75 तालाब बनेगा, अब जल संरक्षण के लिए जितना जरूरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उससे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा जो आता है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से ही आता है। अब हमारी कुछ सालों से हमारी जो डिपेंडेंस है ग्राउंड वाटर पे बढ़ गई, तो उसमें कई जगह जल स्तर बहुत ज्यादा नीचे चला गया, रेड जोन में हो गए बहुत सारे इलाका। तो कहीं ना कहीं हम तालाबों वाली नीति को बनाएंगे, हर गांव में जैसे 4 या 5 तालाब हुआ करते थे तो उनको पुराने तालाबों को संरक्षित करेंगे, नए तालाब बनाएंगे, और हर जो करीब 1000 स्क्वायर मीटर के करीब जो एरिया है, घर है, ऑफिस है, कोई भी है, वहां पे हम जल का संरक्षण करेंगे, जो खुली जगहों पे उसमें जल का संरक्षण करेंगे। तो कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़े। अरविंद जी, कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश के करोड़ों लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम भारत सरकार के मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के बारे में बताएंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड पहल का लक्ष्य निवेश को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, कौशल विकास में वृद्धि करना और अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की शुरुआत वर्ष 2014 में की थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश के केंद्र में बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया की विकास गाथा में भाग लेने के लिए खुला निमंत्रण है। दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। कोरोना के प्रभाव से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। इसमें हम भूमिका रहेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 7000 प्रोजेक्ट की पहचान कर ली गई है। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी, एक नई गति भी मिलेगी। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है, जिसमें अधिकांश क्षेत्रों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया है। 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में शुरू की गई उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना भी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दे रही है। इस पहल का लक्ष्य मेड इन इंडिया उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुसार निर्धारित कर अपने उत्पादों को मेड फॉर वर्ल्ड भी बनाना है। इस पहल की 27 क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धियां हैं, जिनमें विनिर्माण और सेवाओं के रणनीतिक क्षेत्र भी शामिल हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना हासिल करने के लिए सेमीकंडक्टर्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विश्व अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर्स के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर्स डिस्प्ले डिजाइन व्यवस्था के निर्माण के लिए 10 अरब डॉलर की प्रोत्साहन योजना शुरू की है। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड पहल ने 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि दर्ज हुई है और अब 75 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। पूर्व इन्फेंट्री महानिदेशक और रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा है कि सेना ने स्वदेशी कंपनियों से रक्षा उपकरण खरीदने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी कंपनियां डिजाइन निर्माण और विकास चरण से अंतिम परीक्षण तक कई परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस इंडस्ट्री इज अ मस्ट एंड प्राइमरली हाउ COVID-19 हैज अपसेट द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सीन एंड ऑल्सो द सप्लाई सीन एंड देयरफॉर द नीड टुडे इन द प्रेजेंट एनवायरमेंट इज टू बी आत्मनिर्भर एंड इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक द कॉल दैट यू टेकन फॉर इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज टू फ्लरिश द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज द
taking of those two defense corridors, one in the south and one in the north, that is one in Lucknow and the other one in Chennai, are steps which have been taken in the right direction, having lots of items in the restricted import list so that there is no import whatsoever, but the need to manufacture everything in India. I think that's the need of the hour. पिछले दो वर्ष में कोविड महामारी के बावजूद घरेलू खिलौना निर्माताओं के प्रयासों के कारण भारतीय खिलौना उद्योग का विकास उल्लेखनीय रहा है। भारत को अपने तेजी से बढ़ते औषधि उद्योग के कारण दुनिया की फार्मेसी के रूप में पहचाना जाने लगा है। भारत उन देशों को सस्ती दर पर जीवन रक्षक टीके और दवाएं उपलब्ध करा रहा है जिन्हें इनकी सर्वाधिक आवश्यकता है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 2 अक्टूबर को गुवाहाटी में जबकि तीसरा मुकाबला 4 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाएगा। आज स्वर सामग्री लता मंगेशकर की 93वीं जयंती है। कि ऐसे कई अवसर आए थे जहां उन्होंने लता मंगेशकर से मुलाकात की थी और लता जी ने उन्हें अपार स्नेह दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जयंती पर अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन करेंगे। लता मंगेशकर के परिवार के सदस्यों के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की आशा है। और फरहत, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 7 राज्यों में पीएफआई पर फिर छापेमारी को हिंदुस्तान सहित अधिकतर अखबारों ने पहली खबर बनाया है। लोकसत्य लिखता है, छापेमारी के दौरान मौके पर बरामद अभिलेखों और साक्ष्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अंतिम विदाई देने को नवभारत टाइम्स ने सचित्र देते हुए श्री मोदी के इस बयान को दिया है कि शिंजो आबे को भारत जापान दोस्ती पर था यकीन। निर्माण समेत 9 क्षेत्रों में 10 लाख रोजगार बढ़े, श्रम मंत्रालय की ये जानकारी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत है, रोजगार में वृद्धि। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों में होने वाली सुनवाई के सीधे प्रसारण शुरू होने को दैनिक जागरण ने ऐतिहासिक दिन बताते हुए सुर्खी बनाई है। 8 लाख लोगों ने देखी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उपराज्यपाल के खिलाफ ट्वीट हटाने का आम आदमी पार्टी को आदेश, राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी को भी दिया है कि दूसरों की प्रतिष्ठा धूमिल करने का अधिकार नहीं। नोबल की तर्ज पर देश में दिया जाएगा विज्ञान रत्न पुरस्कार, अमर उजाला की खबर है। पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर विज्ञान स्वास्थ्य क्षेत्र से 300 पुरस्कारों को मिलाकर नए पुरस्कार की कवायद। पुरस्कारों की स्थापना और योग्य वैज्ञानिकों के चयन में देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार से लेंगे परामर्श। पृथ्वी को एस्टेरॉयड से बचाने की तरफ बढ़े कदम, दैनिक जागरण ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है कि पहली बार वैज्ञानिकों को ऐसे प्रयोग में सफलता मिली है जिससे भविष्य में पृथ्वी को एस्टेरॉयड की टक्कर से सुरक्षित रखने का मार्ग खुलेगा। पत्र के अनुसार इतिहास में पहली बार हो रहे इस प्रोजेक्ट से भारतीय वैज्ञानिक भी जुड़े। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके सहयोगी गुटों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक और विदेश नीति की वैश्विक सराहना की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के सफल परीक्षण किया। राष्ट्र आज सर्जिकल स्ट्राइक की 6वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस पर आज से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा होगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को महाराष्ट्र में वास्तविक शिवसेना के बारे में फैसला करने की अनुमति दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सहयोगी विजय नायर को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। कानपुर नगर निगम ने पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के कुत्तों के पालने पर पाबंदी लगाई। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।